नागरिकता कानून और एनआरसी के नाम पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोदी सरकार की तारीफ की है और नागरिकता संशोधन कानून को बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने न सिर्फ कट्टरवादी मुसलमानों को आड़े हाथ लिया है बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहे जुल्म की सच्चाई भी बताई है। इस खबर को पूरी डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने नागरिकता संशोधन कानून को बहुत अच्छा और उदार करार देते हुए कहा है कि कानून में पड़ोसी देशों के स्वतंत्र मुस्लिम विचारकों, नारीवादियों और धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, ये सुनने में अच्छा लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक कारण से उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत अच्छा विचार है और बहुत ही उदार है। बता दें कि तस्लीमा के इस बयान के बाद सीएए को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। निर्वासित जीवन बिता रही लेखिका ने इस पर कहा, लेकिन मैं मानती हूँ कि मुस्लिम समुदाय में मुझ जैसे लोग स्वतंत्र विचारक और नास्तिक हैं, जिनका उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में किया जाता है और उन्हें भारत में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। नसरीन ने ये बात केरल साहित्य महोत्सव के दौरान ये बयान दिया। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए नसरीन ने मुस्लिम नास्तिक ब्लॉगर का उदाहरण दिया, जिनकी हत्या कुछ साल पहले बांग्लादेश में संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादियों ने कर दी थी। उन्होंने कहा, इनमें से कई ब्लॉगर अपनी जान बचाने के लिए यूरोप या अमेरिका चले गए, क्यों नहीं वो भारत आए। भारत को आज मुस्लिम समुदाय से और स्वतंत्र विचारकों, धर्मनिरपेक्षवादियों, नारीवादियों की जरूरत है। तस्लीमा ने देश भर में सीए का हो रहे विरोध में कट्टरवादियों के शामिल होने पर आलोचना की। 57 वर्षीय लेखिका ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि कट्टरपंथ चाहे बहुसंख्यक समुदाय से हो या अल्पसंख्यक, दोनों खराब हैं। तस्लीमा ने कहा, क्या ये मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्ष हैं? क्या वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं? नहीं, इसलिए उन्हें इन लोगों को अलग करना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी हो या बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी, दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों ही प्रगतिशील समाज और महिला समानता के खिलाफ हैं। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में तस्लीमा ने कहा, ये संघर्ष हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच नहीं, ये धार्मिक कट्टरता और धर्म निरपेक्षता के बीच है। ये आधुनिकतावाद और आधुनिकता विरोधियों के बीच है। ये तार्किक दिमाग और अंधविश्वास के बीच है। ये मानवता और बर्बरता के बीच है। नोट करने वाली बात यह है कि तस्लीमा को 1994 में कट्टरपंथियों की धमकी की वजह से बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा था। वो 2004 से नई दिल्ली में निवास परमिट के आधार पर रह रही हैं। इस्लामिक मुल्कों में सेक्युलर और स्वतंत्र विचार रखने वाले बुद्धिजीवियों के साथ कितना जुल्म होता है, उसकी जीती जागती मिसाल है तस्लीमा नसरीन। उनके इस बयान के आने के बाद सीए और एनआरसी का विवाद और भी गर्मा गया है। जो महिलाएं सीए का विरोध कर रही हैं, उन्हें तस्लीमा नसरीन की बातों पर गौर करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।